सल्फर ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। क्रियाकलाप एक में आपने देखा होगा कि सल्फर डाइऑक्साइड का जल में विलयन अम्लीय है। SO2 प्लस H2O इज इक्वल टू H2SO3। इसी प्रकार अधिकतर अधातु ऑक्साइडों के जलीय विलयन अम्लीय होते हैं, जैसे CO2 प्लस H2O इज इक्वल टू H2CO3। किंतु सभी अधातु ऑक्साइड अम्लीय नहीं होते हैं। जल हाइड्रोजन का ऑक्साइड है और इसकी प्रकृति उदासीन होती है। कुछ प्रमुख अधातुएं, सम मेजर नॉन मेटल्स, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन नामों पर ध्यान दीजिए। क्या आपको इनमें कोई समानता दिखाई देती है? इन सभी नामों के अंत में जन आता है। वास्तव में जन ग्रीक भाषा के जेनेस से लिया गया है, जिसका अर्थ है बनाने वाला। जैसे हाइड्रोजन दो शब्दों से मिलकर बना है, हाइड्रो जिसका अर्थ है पानी तथा जेनेस अर्थात बनाने वाला। इस प्रकार हाइड्रोजन का अर्थ है जल बनाने वाला। जब ऑक्सीजन की खोज हुई तो यह माना जाता था कि इससे अम्ल ऑक्सी बनते हैं और इस आधार पर ही इस तत्व को ऑक्सीजन नाम दिया गया। पृथ्वी की लगभग 70% सतह पर जल है तथा जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है। हमारे आसपास की वायु में लगभग 78% नाइट्रोजन तथा 21% ऑक्सीजन है। इसलिए इन तीनों तत्वों को वायु और जल के तत्व भी कहा जाता है। कार्बन के साथ मिलकर ये तीनों तत्व अनेक ऐसे यौगिक बनाते हैं जो जीवन का आधार हैं और अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, जैसे प्रोटीन।